नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। दोस्तों, अभी मैं बात करूंगी गंगा दशहरा, जो कि पड़ रहा है 1 जून को और जिसकी तिथि रहेगी 2:57 तक। तो ये गंगा दशहरा पे क्या कुछ होता है, क्या इसकी मान्यता है, क्या इसका पूजा पाठ है, इसके बारे में माँ गंगा को सबसे पहले प्रणाम यह करते करते। और अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि गंगा जो है उस नदी में, गंगा नदी में आप स्नान कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन गंगा जल हर घर में होता है, तो हम पूजा में गंगा जल ज़रूर यूज़ करेंगे और साथ ही साथ आज के दिन स्नान में गंगा जल यूज़ करेंगे। आज के दिन गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर माँ गंगा का आना आज के दिन जो है वो मनाया जाता है। पृथ्वी पर गंगा जी आई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा माँ की आराधना करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। कौन से हैं ये पाप, चलिए जानते हैं। गंगा ध्यान और स्नान से प्राणी काम क्रोध मोह लोभ से, साथ ही साथ मोह मत्सर ईर्ष्या ब्रह्म हत्या, जो कि सबसे बड़ा पाप माना जाता है, जो जाने अनजाने में हमसे किसी न किसी जन्म में होता है, छल कपट पर निंदा दूसरे की बुराई करना, जैसे पापों से मुक्ति हो जाती है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों का माँ गंगा की पूजा करने का, अर्चना करने का एक नियम माना जाता है। साथ ही साथ दान पुण्य भी इस दिन का बहुत फेमस रहता है। गंगा दशहरा के दिन सत्तू मटका और हाथ का पंखा दान करने से दुगुना फल मिलता है। तो आज के दिन और कुछ नहीं तो राहगीरों को हाथ का पंखा ज़रूर दान करें, लेकिन मेरा कहना है कि जल का दान भी सबसे बड़ा होता है, प्याऊ ज़रूर लगाएं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर राजा भगीरथ लेकर आए थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने भागीरथ की प्रार्थना को स्वीकार किया, लेकिन गंगा मैया ने भागीरथ से कहा था कि पृथ्वी पर अवतरण के समय उनके वेग को रोकने वाला कोई व्यक्ति अन्यथा ये धरती को चीर कर रसातल में चली जाएगी और ऐसे में पृथ्वीवासी अपने पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तब भागीरथ ने माँ गंगा को की बात सुनकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव ने माँ को अपनी जटाओं में धारण किया। तो ये है माँ गंगा के अवतरण की कहानी। नमो भगवते दशपापहाराय गंगाय नारायणे रेवत्ये शिवाय दक्षाय अमृताय विश्वरूपिरे नंदिन्ये ते नमो नमः। यानी कि हे भगवती, दशपाप